कलर्ड कैप्सिकम यानी लाल व पीले रंग की शिमला मिर्च का सीजन आरंभ हो गया है, लेकिन किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आधे रेट मिल रहे हैं। लाल व पीले रंग की शिमला मिर्च का आमतौर पर सलाद के लिए इस्तेमाल होता है। विशेषकर लाल रंग की शिमला मिर्च में विटामिन सी और ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। राजगढ़ के वार्ड नंबर 6 के किसान विक्रम ठाकुर ने बताया कि कलर्ड कैप्सिकम की पैदावार ग्रीन हाउस में होने के कारण महंगी होती है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जहां इसके दाम 100 से 120 रुपए प्रति किलो मिल रहे थे, वहीं इस वर्ष ये 50 से 60 रुपए किलो के हिसाब से ही बिक रही है। आजकल जो है हमारा कलर्ड कैप्सिकम का सीजन स्टार्ट हो गया है और इसको हम चंडीगढ़ मार्केट कर रहे हैं, पर इस बार जो मार्केट में रेट है वो दूसरे सालों की अपेक्षा जो है लगभग आधा रेट चला हुआ है। पहले 100-120 तक हमारा जो है रेट हमको मिल जाता था, पर इस साल जो है 50-60 या 70 तक जो है मार्केट हो रहा है। इस बार हमारी प्लांटेशन भी ज़्यादा है, लगभग 8000 प्लांट्स लगे हैं। हफ्ते में हम 80 बॉक्स के आसपास निकालते हैं, 20-25 केजी का हमारा बॉक्स रहता है। और लास्ट ईयर भी इसकी जो है कल्टीवेशन जो ग्रीन हाउस में होती है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहती है जो दूसरी कैप्सिकम है उससे। लास्ट ईयर भी ये जो हमारे को ग्रीन हाउस में हमारे कार्नेशन जो लगा था फ्लोरिकल्चर में, वो सारा ही टोटल लॉस चला गया था। कोविड की वजह से कुछ भी नहीं दिख पाया था। इस बार हमने वेजिटेबल में जो ज़्यादा काम किया है, पर इस बार भी जो कोई बहुत अच्छी मार्केट नहीं मिल रही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए राजगढ़ से नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट।